वेलकम बैक टू अम्मी का चाहा। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माय वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अम्मी का चाहा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे न्यू स्टाइल स्नैक्स। ये आप चाय के साथ जरूर ट्राई करना, स्पेशली चाय के साथ खाने के लिए होता है। आप टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चों को, सॉस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनता है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में कम टाइम में बनाए। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इसमें मैं बहुत सी चीज़ें बताई हूँ, तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो हमें चाहिए इसके लिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, क्रस्ट चाहिए आपको, क्रस्ट कर लेना है अजवाइन को, 2 टीस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून हर जगह से। इसमें ना आप ऑयल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। आपको साथ ही एक बात बताते चलूं कि जो है आपको तेल को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है, कि जो आप ऐसे मुट्ठी बनाए आटे की तो वो बन जाए आसानी से। थोड़ा थोड़ा आपको पानी ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, एकदम अच्छे इसकी डो बना लेना है आपको। पानी आपको ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है एक साथ। ये डो को हमें थोड़ा हार्ड बनाना है, यानी थोड़ा सख्त बनाना है। ध्यान रखिए आप, पानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूरत के हिसाब से लेना है। आटा जो है उसकी डो हम बना लिए हैं, देखिए फाइनली एकदम बन गई है डो। अभी आपको कपड़े से इसको ढक कर रख देना है 10 मिनट के लिए। चलिए ये 10 मिनट रखते हैं हम आटे को, जब तक के स्टफिंग बना लेंगे। आपको आलू ले लेना है 2 बड़े साइज के, बॉईल कर लेना है। आलू को आपको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। आपके पास मैशर है तो आप उससे कर सकते हैं, स्पून से कर सकते हैं, हाथ से आपको जिससे मतलब जमे आप उससे कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल। आलू जो है यहाँ पर हमारा बटाटा ये मैश हो गया है, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कस्तूरी मेथी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सब क्रस्ट चाहिए। नमक आप अपने हंस पे जायका ले लीजिए। सबको ऐड कर लेना है आपको। हम इसके कोटिंग के लिए डालेंगे चावल का आटा, 2 टीस्पून आपको चावल का आटा ऐड करना है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जो आलू है आपका वो एकदम मैश रहना चाहिए, मतलब जो है गुलटी गुलटी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोटी में इसको फिलिंग करना रहेगा तो पूरा पीस जाना चाहिए एकदम अच्छी तरीके से। मैश कर लेना, अगर आप कद्दूकस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो सब आपको आ जाए।
देखिए जो है हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। आपको अच्छे तरीके से मैश करके आलू को सब मसाले को ऐड करके एक इसी तरीके से फिलिंग तैयार कर लेना है। यहाँ पर हमारे 10 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं आटे के। 10 मिनट आपको रखने ही रखना है तो ज़्यादा अच्छा आपका स्नैक्स बनेगा। ये स्नैक्स आप चाय के साथ खा सकते हैं, स्पेशली ये चाय के साथ अच्छा लगता है तो आप इसे चाय के साथ ज़रूर ट्राई करना। अगर वैसे आपको खाना है तो वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये न्यू टाइप का स्नैक्स है, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। अब हम इसे इसकी 2 लोई बनाएंगे और हमें बेलना है इसे। अब एक रोटी बड़ी सी रोटी आप नॉर्मल जैसे बेलते वैसे ही बेले, बट ये बड़ी रहेगी। आपको इसी तरीके से बेलते रहना है रोटी को। अगर आपको और भी रेसिपी चाहिए तो वो सब हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। स्नैक्स में चाहिए या चाइनीज में चाहिए, मीठे में चाहिए, सब आपको मिल जाएगी। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी रेसिपी को, हमारी वीडियोस को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे 5K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। 2.3K हमारे हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमारी रोटी जो है वो रेडी हो गई है। आपको सूखा आटा लगा लेना है। एक चीज आपको बताते चलूं, आपको साइड से रोटी की जो परत है वो देख लेनी है, इतनी ही पतली रहनी चाहिए, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, जैसा हमने बताया है वैसे ही रहना चाहिए। तो चलो इसको हम साइड में रख लेते। ये वाली हमारी रेडी हो गई है रोटी। जो हमारी दूसरी डो थी उसे अब हम बेलेंगे। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए और वीडियो को फुल देखिए। आप अगर हमारे वीडियो देखकर हमारे इंग्रेडिएंट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही अच्छी डिश आपकी बनेगी और रिस्पॉन्स भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। देखिए हमारी दोनों रोटी जो है वो तैयार हो गई है। रोटी आपको दोनों एक साइज की रखना है क्योंकि हमें एक के ऊपर एक दोनों रोटी को रखना होगा। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी सारे के सारे स्टफिंग आपको जो है वो रोटी के ऊपर रख लेना है। आराम से रखना है आपको, रोटी फटना नहीं चाहिए और रोटी को ज़्यादा मोटी भी नहीं रखना है। स्टफिंग भी ज़्यादा मोटी नहीं आपको रखना है। जैसे आपने बटाटे को मैश किया, आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है आपको और आराम आराम से सारे रोटी पर जो है वो आपको जो है आपका आलू स्टफिंग कोट कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए रोटी पर जो है पूरी स्टफिंग हमारी हो गई है। अब जो दूसरी रोटी हमारी वो हम रखेंगे इसके ऊपर। साइड से आपको पैक कर लेना है अच्छी तरीके से, दबा लेना है। देखिए साइड से अच्छी तरीके से पैक कर लेना आपको। और अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। स्क्वायर शेप में आपको कट कर लेना है।
हमारे किचन की लाइट जो वो है खराब हो गई है, तो हम हॉल में बना रहे हैं रेसिपी, तो यहाँ पर भी लाइट का इशू है थोड़ा। कॉर्नर आपको निकाल लेना है सबसे पहले कट कर कर। मम्मी का हाथ देखिए कितना खराब आ रहा है, थोड़ा लाइट का इशू है, पावर भी यहाँ की हाफ हो गई है हमारे यहाँ की, थोड़ा मीटर वाले आए नीचे। आपको स्क्वायर शेप में कट कर लेना अच्छे से पीस पीस इसे भी। तो चलिए अब ये जो स्नैक्स है इसे बनाने का तरीका बताएंगे मम्मी। अब बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए आप उसे कॉर्नर से कॉर्नर जो है वो मिलाना है। देखिए कितना प्यारा शेप आ गया है, इसी शेप का आपको बना लेना है पूरा, जितने भी पीसेस आपने कट किए सब आपको इसी शेप के बना लेने हैं। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनता है टिफिन में और शाम के नाश्ते के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये गेहूं के आटे में भी बना है, बाहर का कुछ इसमें ऐड नहीं है। और ये बहुत क्रंची फ्राई होता है, जब इसे फ्राई हम करेंगे तो वो भी आप देख लेना। देखिए कितना प्यारा शेप आ रहा है। इसी तरीके से आपको जो है सब बना लेना है जितने स्क्वायर शेप हमने कट किए हैं। आपको अगर कोई रेसिपी चाहिए, कोई चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम सब आपको बताएंगे, सब रेसिपी भी हम अपलोड करेंगे अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए इसी तरीके से। देखिए फाइनली सारे शेप हमने बना लिए जितने स्नैक्स के थे, इसी तरीके से आपको भी बना लेना है सारे के सारे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमने गरम होने चढ़ा दिया था, गरम हो गया तेल, और आप ध्यान रखिए कि तेल गरम हो जाएगा जब अच्छी तरीके से, तो फ्लेम को आपको लो कर देना है, लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है आपको। तो बहुत ज़्यादा क्रंची और इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है, जितनी जगह है आपकी पैन में उतना ही आपको ऐड करना है, और आराम से आपको डालना रहेगा ताकि छींटा ना आए आपके ऊपर। फ्लेम आपको लो कर लेनी है। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन आपको करना है। आप इसे मटरी भी कह सकते हैं। चलिए सेकेंड राउंड भी हम ऐड करते हैं। याद रखना आपको कि फ्लेम आपको लो ही रखना है, अच्छा क्रंची एंड क्रिस्पी बनेगा। हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है, और जो हमने कॉर्नर निकाला था वो भी हम फ्राई कर लिए हैं, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाने देने का, तो हमने उसे भी फ्राई कर लिया है। अब हम सबकी प्लेटिंग करेंगे।
देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है, आप इसे जरूर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए गरम गरम चाय के साथ क्रिस्पी सा नाश्ता ट्राई कीजिए। रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हमारी सब वीडियो को आप। तो चलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी ऑल नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और गरम गरम चाय के साथ फटाफट से नाश्ता करिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel, like my video, press the bell icon, share my video. Thank you.